One morning after purchasing 6 liters of milk from a milkman, a householder found that the weight of this quantity of milk was 6.144 kg. If 1 liter of pure milk weigh 1.032 kg and that of 1 liter of the pure water 1 kg, the how much water was added to the milk? Question mein given hai, total quantity isne kitna purchase kara tha? 6 liter. Agar 6 liter pure water hota, to iska total weight kitna hota? 6 kg. अगर 6 लीटर का टोटल ये मिल्क होता तो इसका वेट कितना होता वो था 6 × 1.032 kg. सिंस ये गिवन है कि प्योर मिल्क का वेट कितना है 1.032 kg, तो अगर 6 लीटर टोटल अगर प्योर मिल्क होता तो ये 6 × 1.032 kg होता. तो इसको मल्टीप्लाई करो तो ये वैल्यू कितना आएगा, ये आएगा 6.30 × 6, तो 180 × 12, तो 192 kg. ये क्लियर है? नाउ सिंस ये दोनों का मिक्सचर है तो एलिगेशन का यूज कर लो. अगर ये प्योर वाटर तो 6, प्योर मिल्क तो ये 6.192, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन है तो वेट कितना है 6.144. तो यहाँ पे प्योर वाटर कितना होगा जो इन दोनों का डिफरेंस हो, इन दोनों का डिफरेंस निकालो तो कितना आएगा, ये आएगा 0.48, और इस दोनों का डिफरेंस यहाँ पे आएगा, ये कितना होगा, ये होगा 1.44, और ये डेसिमल में. तो आपको वाटर और मिल्क का रेशियो कितना मिल जाएगा, तो ये 1:3 में. इसको अगर आप रेशियो से कैंसिल करोगे तो ये 1:3 में आ जाएगा. इट मीन्स वाटर और मिल्क का रेशियो 1:3 में है. टोटल उसने कितना परचेज करा था, 6 परचेज किया था, तो यहां से 4 यूनिट का वैल्यू 6 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 1.5. तो इसमें वाटर कितना एडेड, 1.5 लीटर. सो हमारा आंसर क्या होगा, 1.5. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.